सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है नमित कपूर। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ वन शो एमसी की एक नई, एक शानदार और एक कमाल वीडियो में। तो सर, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं महाराष्ट्र सीटी एमसी के बारे में, क्योंकि भैया फॉर्म फिलिंग की डेट आ चुकी है। भैया आपको फॉर्म भरना है, तो कैसे कैसे फॉर्म को भरना है, बहुत सारे बच्चों के डाउट्स थे कि भैया कौन कौन से सर्टिफिकेट्स लगाने हैं या कैसे कैसे हमारे को फॉर्म फिल करना है, तो वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। साथ ही साथ में यार, अभी जो बचे हुए टाइम है, क्योंकि फॉर्म फिलिंग की डेट आ चुकी है और भैया 7 अप्रैल तक की हमारे पास डेट है, तो मेरे को जहां तक एक्सपेक्टेड है कि भैया मई की लास्ट वीक या जून की फर्स्ट वीक तक आप सब लोगों का एग्जाम हो रहा होगा। मेरे पास बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है, तो कैसे हम इस लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम को यूज करते हुए एक अच्छी रैंक क्रैक कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, वो भी सेल्फ स्टडी के साथ में। बहुत सारे इसमें मटेरियल भी बताऊंगा, कौन सी बेस्ट बुक्स हैं उसके बारे में भी बताऊंगा और कितनी कट ऑफ रहती हैं वो सब कुछ भी एक्सप्लेन करूंगा। फिर वीडियो को एंड तक पूरा देखना, कोई पार्ट भी स्किप मत करना, क्या मैंने अचीव कर दी मेरा सीटी में ऑल इंडिया रैंक 8 सेल्फ स्टडी के साथ में। और भैया आप लोग भी इस चीज को अचीव कर सकते हो। लास्ट टाइम मैंने बहुत सारे जूनियर्स के मतलब तैयारी करवाई है, उन लोगों ने भी भैया बहुत अच्छी अच्छी रैंक महाराष्ट्र सीटी एमसीए में सेल्फ स्टडी के साथ में अचीव करी है। सर मैं बात करूँ चेतना की, हिमांशी की, सबकी भैया अच्छी अच्छी रैंक्स आई है। चेतना वीआईटी पुणे में है, हिमांशी सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर है, तो बहुत ही अच्छी चीज है, तो इनका भी एक्सपीरियंस देखेंगे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ महाराष्ट्र सीटी एमसी 2022 के बारे में, तो यार फॉर्म फिलिंग डेट जो हमारी है वो है 17 मार्च से 7 अप्रैल तक। जी हाँ, तो भैया फॉर्म भरने में कोई गलती मत करना, एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम अभी भी हमारे पास है। तो जिन लोगों को नहीं पता भैया डेट आ चुकी है, तो यार वो लोग ऑफिशियल वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। भैया महाराष्ट्र सीटी की जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप उसको जाके विजिट कर सकते हैं, और विजिट करने के बाद आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है MAHMCA CET 2022। किसी और वेबसाइट पे नहीं जाना, ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाना है। जैसे देखो खोलते ही ये कोई आ रही है, ये वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। कि भैया ये हमारी जो वेलकम टू स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल, ये वाली ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको जाना है। यहाँ पे आपको भैया लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा होगा महाराष्ट्र सीईटी एमसीए 2022, ये वाला, इसको क्लिक करना है। तो यार यहाँ पे जाके आपका एक पेज लोड होगा। इस पेज के अंदर यार यहाँ से आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करके अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो यहाँ जाके आप अपनी डिटेल्स को चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर यार इन्फॉर्मेशन, ब्रोशर, सिलेबस सब कुछ आपको यही मिल जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ कि भैया फॉर्म को फिल कैसे करना है अब, तो यार ये देखो यहाँ पे डाउनलोड्स के अंदर आपको ये लिंक दिख रहा होगा, यूजर डाउनलोड्स के अंदर, कि भैया कैसे इसको फिल करना है फॉर्म को। तो यहाँ पे भैया 29 पेजों के अंदर ना एकदम डिटेल स्टेप बाय स्टेप, मतलब मैं तो इम्प्रेस हो गया इनसे कि निमसेट में भी अगर ऐसा होने लग जाता कि इतने स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन मिलती तो मजा आ जाता। भैया इन्होंने एक एक चीज आपको भैया चेकलिस्ट से लेके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, वहां से लेके भैया पेमेंट तक का एक एक स्टेप आपको समझा रखा है। फिर यहाँ से आप एक एक स्टेप चेक कर सकते हो। ऐसे ऐसे मैं नीचे जा रहा हूँ, आपको स्टेप्स दिख रहे होंगे। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, आपको रजिस्टर करना है, सारी डिटेल्स अपनी भरनी है, एकेडमिक डिटेल्स भरनी है, सब कुछ यहाँ पे फिल करना है। एक एक स्टेप आपको दिख जाएगा, तो इस पीडीएफ को ध्यान से पढ़ते पढ़ते एक एक स्टेप को फॉलो करते करते आगे बढ़ना, कोई गलती मत करना। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो यार आप मेरे को इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे रीच कर सकते हो, ठीक है। तो मैं होप करता हूँ आपको ये पीडीएफ क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे फोटो के बारे में और बहुत सारी चीजों के बारे में बिल्कुल क्लियर बताया गया है। इसके बाद अगर हम लोग चले भाई आगे, तो इनके डाउनलोड्स में आप देख सकते हो, ये तो यूजर मैनुअल हो गया हमारा इंग्लिश में जो दे रखा है। इसके बाद जो अगली चीज दे रखी है यहाँ पे, वो है इनका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, जिसमें सारी आपको चीजें मिली हुई हैं कि भैया क्या फीस है, क्या एलिजिबिलिटी रहती है, कितनी कितनी चीजें होती हैं। यहाँ से भी एलिजिबिलिटी समझना है तो मैंने खुद एक एलिजिबिलिटी पे वीडियो बना सकी है, आप उसको जरूर चेक करना। और यहाँ पे है भैया एमसीए सिलेबस 2022 का, तो सिलेबस भैया सेम ही है पिछले कुछ सालों से, तो आप जाके उस सिलेबस को चेक कर सकते हैं। और सिलेबस को चेक करने के बाद, सिलेबस खोला है तो यहाँ से आप सिलेबस खोल सकते हो, सिलेबस को देख सकते हो। अब यार जो इसकी टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं उस पर आने वाला हूँ, क्योंकि बहुत बच्चों को इस पर भी बहुत सारे डाउट्स थे। तो अगर मैं बात करूँ इसकी टोटल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं भैया मैथमेटिक्स और स्टेटिस्टिक्स में आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन के भैया 2 मार्क्स मिलते हैं आपको, हर क्वेश्चन अगर आप करेक्ट करते हो, और भैया हर क्वेश्चन के आपके माइनस हाफ मार्क्स डिडक्ट होते हैं अगर आपका कोई भी क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग में जाता है, मतलब कि 0.5 मार्क्स जो है आपको वो डिडक्ट हो जाते हैं। तो भैया अगर मैं बात करूँ मैथमेटिक्स के लॉजिकल रीजनिंग की, तो वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि भैया इनकी वेटेज 60 मार्क्स, मतलब 120 मार्क्स की इनकी वेटेज होती है। उसके बाद भैया कॉम्प्रीहेंशन इंग्लिश और कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट्स, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि भैया कंप्यूटर और इंग्लिश को मैं कहाँ से करूँ, फिर कंप्यूटर इंग्लिश कहाँ से करनी है, वो भी मैं आप सबको अभी बताने वाला हूँ। तो पूरे वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपको एक ही चीज समझाऊंगा। सर बहुत बच्चे सबसे पहले तो कंफ्यूज होते हैं इस चीज को लेकर कि भैया हमारे को 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं। ऐसा भैया बिल्कुल भी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी मिथ है जो बहुत टाइम से चली आ रही है, इसको मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ बस करने का। भैया 90 मिनट में हमारे को 100 क्वेश्चन नहीं करने हैं। अगर आप भैया सिर्फ 50 क्वेश्चंस प्लस भी अटेम्प्ट करते हो, तो भी भैया आप एक टॉप रैंक में आते हो, आपको एक अच्छा कॉलेज, मतलब कि आप टॉप
सिक्स से फाइव, मतलब टॉप फाइव सिक्स कॉलेजेस जो आते हैं हमारे इसके अंदर वो आपको मिल जाते हैं अगर आप सिर्फ 50 क्वेश्चंस भी करेक्ट कर देते हो। और ये सारी जो कट ऑफ्स हैं इनको मैंने बता रखा है अपनी एलिजिबिलिटी वाली वीडियो में, आप जाके एलिजिबिलिटी एंड कट ऑफ वाली वीडियो देखो, आपको पता लगेगा कि भाई 2020 और 2021 की कट ऑफ कैसे थी। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं तो भैया मेरे 138.5 मार्क्स थे, भैया 138.5 मार्क्स अप्रॉक्स 70 क्वेश्चंस पे आपके आ जाते हैं और इसके अंदर मेरी रैंक 8 थी, तो भैया मैं था ऑल इंडिया का कैंडिडेट। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के ही कैंडिडेट हो तो आपको इसमें भी महाराष्ट्र स्टेट का कोटा मिलता है, उसका भी आपको एडवांटेज मिलता है। फिर ये बहुत सारी चीजें आपको इस चीज को समझना है कि भैया 90 मिनट में हमारे को 100 क्वेश्चन नहीं करने, 90 मिनट में हमारे को वो फेवरेबल 50 से 60 क्वेश्चन करने हैं जो हमारे को सिलेक्शन कराएंगे। तो इससे आपको ये फायदा हो जाता है कि यार अगर आप किसी एक सेक्शन में वीक हो, जैसे कि मान लो कोई बच्चे का मैथ्स वीक है, तो यार वो बाकी तीन सेक्शन यहाँ पे 30, 20, 20 कितने हो गए क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, यहाँ से भी 140 मार्क्स ला के एक टॉप रैंक ला सकता है। ठीक है, तो अगर किसी का मैथ्स वीक है, किसी का लॉजिकल रीजनिंग वीक है, किसी का इंग्लिश वीक है, किसी का कंप्यूटर वीक है, तो भाई उसको डरने की जरूरत नहीं है। निमसेट एग्जाम जैसा नहीं है ये, जहाँ पे भैया हर सेक्शन की अलग अलग वेटेज होती है। जैसे निमसेट में मैथ्स के एक क्वेश्चन की वेटेज होती है 12 मार्क्स, पर यहाँ पे भैया सबकी वेटेज सेम है। तो यार अगर आप मैथ्स का क्वेश्चन नहीं भी करोगे तो भी आपको सिलेक्शन मिलेगा ही मिलेगा, तो इस चीज को हमारे को ध्यान रखना है। तो 90 मिनट में 100 क्वेश्चन लेके जो भैया कोचिंग इंस्टीट्यूट से जो हमारी या ट्यूशन है वो जो प्रेशर बनाती है दिमाग में, उस प्रेशर को हमारे को बिल्कुल अवॉइड करते हुए चलना है यहाँ पे। ठीक है, तो कट ऑफ का मैंने आपको बता दिया कि ये सिनेरियो रहता है। भाई अगर आप भैया यहाँ पे मैच में 30 में से अप्रॉक्स 15 से 20 क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी बनाते हो और लॉजिकल रीजनिंग भैया मैंने बहुत अच्छा पढ़ा भी रखा है, बहुत लोग उसको फॉलो भी करते हैं, लास्ट टाइम के जो भैया मेरे जूनियर्स थे उन्होंने उसको फॉलो करके टॉप रैंक्स भी निकाली हैं, तो आप उनको भी देख सकते हो। तो इन 30 में से आप भैया 15 से 20 क्वेश्चन मतलब बहुत इजीली बना सकते हो। फिर इंग्लिश के अगर 20 में से अगर आप 50 मतलब 10 भी बना लेते हो और कंप्यूटर के अंदर भी 20 में से 10 बना लेते हो, तो ये आपके जो क्वेश्चन हो जाएंगे, ये आपके क्वेश्चन कुछ अप्रॉक्स हो जाएंगे भैया 50 से 60। ठीक है, तो 50 से 60 क्वेश्चन के अंदर भैया आपको जो मार्क्स आ रहे होंगे वो होंगे भैया 100 से 120 के बीच में, और भैया इसमें जो परसेंटाइल है वो 99 से ऊपर रहेगी। इसको आप प्रीवियस कट ऑफ में जाकर देख सकते हो, सारी कट ऑफ मैंने अपने ग्रुप पे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर रखी हैं। ठीक है, तो मैं होप करता हूँ आपको ये मिथ तो क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं भैया यार पढ़ाई कैसे करनी है। सबसे पहले भैया मैथमेटिक्स के लिए, तो यार आप अपने स्टेट बोर्ड की महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो मैथमेटिक्स की बुक्स हैं वो उठा सकते हैं, नहीं तो भैया क्लास 11th एंड क्लास 12th की एनसीआरटी को उठा लो। मैं होप करता हूँ आप सबने इनको भैया कभी ना कभी पढ़ा ही होगा, और उससे पहले भी 9th और 10th के अंदर आपको भैया एनसीआरटी होंगी अगर आपने सीबीएसई बोर्ड दिया है, तो भैया ये स्टेट बोर्ड की या एनसीआरटी बुक्स को उठा लो और इनका 11th एंड 12th अच्छे से कर लो भैया। अब ये करना कैसे है बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे, तो भैया इसके लिए ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, नहीं तो आप खुद से भी पढ़ोगे तो यार आप इन बेस बुक्स को बहुत ईजिली बना पाओगे। इसी लेवल के क्वेश्चन यही कॉन्सेप्ट आपको महाराष्ट्र सीईटी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से अगर मैं नीचे चलूँ तो भैया आपको आई बहुत एनसीईआरटी एंड आरडी शर्मा मस्ट डू बुक्स, तो भैया एनसीईआरटी करने के बाद अगर आप आरडी शर्मा भी कर लेते हो, सब्जेक्टिव वाली सॉल्व करनी है यहाँ पे आपको, ऑब्जेक्टिव नहीं करनी, सब्जेक्टिव आरडी शर्मा भी सॉल्व कर लेते हो तो भैया वो आपको सोने पे सुहागा हो जाएगा, मतलब फिर तो आपकी टॉप रैंक आने से कोई रोक ही नहीं सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप एनसीईआरटी करते हो तो यार आप एनसीईआरटी करके अपना सिलेक्शन पक्का जरूर कर सकते हो। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं यार हम लोग अगर बात करें महाराष्ट्र सीईटी एमसीए के मैच पे, तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा एक रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हुए और प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस करते हुए कि भैया प्रीवियस ईयर पेपर में कौन से टॉपिक में से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं, इसको डिस्कस करते हुए ये वाली वीडियो बनाई है। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी जाके देखिए यार, इसके अंदर पूरा कंप्लीट मैच का सिलेबस प्रीवियस ईयर टॉपिक्स के एनालिसिस के साथ में है, ताकि आप समझ सके कि यार लास्ट टाइम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मेरे को बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको मैं अवॉइड कर सकता हूं। मैं होप करता हूं आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो और सारे अपने फ्रेंड्स के साथ जो महाराष्ट्र सिटी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनका शेयर जरूर करना। उसके बाद आती है भैया फॉर लॉजिकल रीजनिंग। अब लॉजिकल रीजनिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मेरी मास्टर क्लासेस को फॉलो करना है। भैया मैंने बहुत सारी मास्टर क्लासेस लास्ट टाइम भी ली थी जिनको बच्चों को बहुत फायदा हुआ था, तो यहां से आप जा सकते हो यूट्यूब पे, यहां पे लिख सकते हो वन स्टॉप एमसीए, तो वन स्टॉप एमसीए में जब आप जाओगे तो यहां पे ये हमारा चैनल है, इसके पास प्लेलिस्ट है। तो भैया प्लेलिस्ट के अंदर ये देखो महाराष्ट्र सीईटी की पजल वाली क्लासेस हैं यहाँ पे, ये 6 क्लासेस थी लास्ट टाइम मैंने लाइव ली थी, अगर आप इस बार रिक्वेस्ट करोगे तो मैं इस बार भी लेकर आऊंगा। तो यार आप देख सकते हो ये मैथ महाराष्ट्र सीईटी सीईटी की मास्टर क्लासेस है मैथ्स की, इनको बहुत सारे बच्चों ने देखा भी था और बहुत सारे बच्चों को ये अच्छी भी लगी थी। ठीक है, इतने सारे इसमें व्यूज है, बहुत सारे इसमें कमेंट्स भी हैं, तो अगर आपको भी मास्टर क्लासेस चाहिए तो आप बता सकते हो। तो ये चीजें आपको जरूर चेकआउट करनी है, क्योंकि यार इनके अंदर ही आपको भैया इंप्रूवमेंट मिलेगी, इनको आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, क्योंकि महाराष्ट्र सीईटी में बहुत सारे पजल्स वाले क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत सारे दूसरी तरह के लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन भी आते हैं जो आपको इन क्लासेस के अंदर जब एग्जाम्पल मिलेंगे उससे ही समझ आएगा। तो ये सारी क्लासेस हैं, और इसके बाद भी अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो आपको फिर से भाई चैनल पे ही जाना है,
यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ एक वन स्टॉप एमसीए की मैंने सेल्फ स्टडी प्लेलिस्ट भी बना रखी है, जहाँ पे मैंने पूरा बता रखा है कि भैया सेल्फ स्टडी कैसे करनी है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक सेकंड इसको मैं क्रॉस कर दूँ। तो भैया यहाँ पे ये रही है आपकी भाई सेल्फ प्रिपरेशन वाली प्लेलिस्ट, जहाँ पे मैंने निमसेट के भी लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। तो भाई जो बच्चा अगर निमसेट के क्वेश्चन भी कर लेता है एक्स्ट्रा में, तो उसको लॉजिकल रीजनिंग के लिए और कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ इतनी वीडियोस और इतने क्वेश्चंस को अगर आप लगा लो निमसेट के प्रीवियस ईयर्स के, महाराष्ट्र सीईटी के प्रीवियस ईयर्स के, और ये जो मैंने मास्टर क्लासेस में कराए हैं, इससे ज्यादा लॉजिकल रीजनिंग आपको आनी ही नहीं चाहिए भैया। बैंक, एसएससी, सीजीएल, इन सब के पीछे वाली लॉजिकल रीजनिंग होती है जो बहुत टफ लेवल की होती है, उसमें हमारे को नहीं जाना। हमारा एमसीए का पेपर है, बेस पेपर है, यहाँ पे हमारे कॉन्सेप्ट चेक किए जा रहे हैं कि भैया क्या बच्चे को अगर हम टफ क्वेश्चन दें या इजी क्वेश्चन दें तो क्या वो टफ क्वेश्चन को छोड़ के इजी क्वेश्चन कर सकता है। यहाँ पे वो हमारी टाइम मैनेजमेंट भी देख रहे हैं, क्योंकि वो ये नहीं देख रहे कि भैया 90 मिनट में कितने टफ क्वेश्चन सॉल्व करें हैं, 90 मिनट में कितने एफिशिएंटली उसने खुद को मैनेज करा है, खुद का दिमाग को सेटल डाउन करके, मतलब कैसे भैया ईजी रख के चीजों को सॉल्व करा है। तो उससे आपको भैया स्कोर बनाना है, इस चीज पर आपको जज करा जा रहा है, यहाँ की इस चीज पर जज करा जा रहा है कि भाई आपकी कितनी नॉलेज है कि आप कितने टफ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इस बात को आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है। तो भैया लॉजिकल रीजनिंग के लिए मेरी मास्टर क्लासेस को फॉलो कर लो। लॉजिकल रीजनिंग की भी मैं ऐसी सेम एक वीडियो लेके आया हूँ, या वीडियो को जाके खोल सकते हो। इसमें मैंने बता रखा है भैया फिर से भाई प्रीवियस एनालिसिस के साथ कि यार कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक आपको करने ही करने हैं, और कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप छोड़ भी सकते हो। भैया इन वीडियोज को जाकर जरूर चेकआउट करना। ये लॉजिकल रीजनिंग की है और ऊपर मैथ्स की थी, इनको आप लिखोगे तो आपको मिल जाएगी। तो ये सारे जो वीडियोज का मैं आपको बता रहा हूँ लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलते रहेंगे। उसके बाद चलते भैया कंप्यूटर सीरीज पे। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलेंगे कि भैया हम तो नॉन सीएस बैकग्राउंड के हैं, हमारे को कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं आता है, फिर उनके लिए ही है मेरी कंप्यूटर सीरीज। भैया इस कंप्यूटर सीरीज में सिर्फ 10 क्लासेस हैं, 10 क्लासेस आर इन दिस कंप्यूटर सीरीज, और इस कंप्यूटर सीरीज के 10 क्लासेस हैं वो बिल्कुल ऐसे मैंने बनाई हैं कि भैया एक बेस लेवल का बच्चा जिसको कुछ भी नहीं आता कंप्यूटर का, नॉन सीएस बैकग्राउंड से वो बच्चा है, वो भी समझ के भैया कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन बना सकता है। तो भैया इन क्लासेस को अगर आप कर लोगे तो भैया 20 में से 10 क्वेश्चन की तो गारंटी मैं दे रहा हूँ कि भैया 10 क्वेश्चन तो आप बना ही लोगे, ऊपर भाई बल्कि हो सकता है 10 से 15 क्वेश्चन भी आप लोग बना लो, क्योंकि कंप्यूटर का सिलेबस टफ बिल्कुल नहीं है। कहीं ना कहीं सब लोगों ने रैम रोम इन सब के बारे में पढ़ा होता है, तो थोड़ा सा अलग सिलेबस है नंबर सिस्टम्स का, लॉजिक गेट्स का, या बूलियन अलजेब्रा का, वो सारा मैंने आपको इसमें बिल्कुल बेस से लेकर एडवांस तक पढ़ाया है। और आप बेस से लेकर एडवांस तक इतना कर लोगे तो 15 क्वेश्चन की गारंटी यहाँ पे मेरी हो गई है। मैंने आपको भैया बता दिया मैथ सॉर्ट कर दी आपकी, लॉजिकल रीजनिंग सॉर्ट कर दी, कंप्यूटर भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे आपको करना है। मैं होप करता हूँ आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। उसके बाद चलते भैया इंग्लिश के लिए। तो भैया इंग्लिश के लिए बच्चे बहुत परेशान रहते कि भैया इंग्लिश के लिए क्या करें। फिर इंग्लिश के लिए मैं सच्ची बताऊं मैंने कुछ नहीं किया था, और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि आपको भी इंग्लिश के लिए एटलीस्ट कुछ नहीं करना है। भैया इंग्लिश के लिए अगर आपको ज्यादा से ज्यादा कुछ, कोई बच्चा ऐसा इसकी तैयारी हो रखी है कुछ है, तो भैया डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है तो वो पढ़ लो, क्योंकि यार उसमें ऐसे आते हैं वर्ड मीनिंग्स आते हैं कि भैया कोई वर्ड इस वर्ड का है तो इसका भैया सिनोनिम बता दो, एंटोनिम बता दो। फिर अगर आपको वर्ड सुना हुआ होगा या पढ़ा हुआ होगा तभी आप उसका आंसर कर पाओगे, नहीं तो यार अगर सुना करा ही नहीं होगा तो उसका आंसर आप बिल्कुल नहीं बता पाओगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि भैया सुना पढ़ा हो तभी हम उसको करें, ना सुना पढ़ा हो तो यार उसको हमें हमारे को छोड़ देना है। नेगेटिव मार्क्स से अच्छा है भैया जीरो मार्क्स ले लें, हमारे को अपने कमाए हुए नंबर नेगेटिव नहीं करवाने, ये बात का ध्यान रखना। बच्चे बहुत बार ऐसा करते हैं कि मैंने सिर्फ 50 क्वेश्चन करे हैं, भाई 100 क्वेश्चन थे 50-50% करे हैं, चलो बाकी मैं तुक्के मार दूं। तो तुक्के मारने से क्या होता है ना, मतलब कि ऐसे जो 50 क्वेश्चन थे भैया शायद तुम्हारे उसके 40 सही हो गए, तुम्हारे 80 मार्क्स आ जाते, 80 मार्क्स पे तुम्हारे को भैया कुछ 92 या 93 परसेंटाइल होती, तुम्हारे को शायद कोई नीचे का कॉलेज मिल जाता। पर क्या करेंगे, तुक्के मार के ना इन 80 मार्क्स में भी नेगेटिव करा के इनको भैया 50-60 कर देंगे। तो जो 50-60 वाली रेंज होती है ना, इसमें बहुत सारे बच्चे लाया करते हैं। अगर कभी भी तुम देखो, जैसे मेरे टाइम पर जब 2020 का पेपर हुआ था ना, तो 100 मार्क्स से ऊपर सिर्फ 40 या 50 बच्चे थे। मतलब तुम देखो कि भैया 50% से ऊपर पेपर अटेम्प्ट करने वाले सिर्फ 40 से 50 बच्चे थे। उसके बाद जितने भी बच्चे थे वो सारे 80 से 90 के स्लॉट में थे, या फिर 70 से 80 के स्लॉट में थे। तो ये चीजें याद रखें कि नेगेटिव मार्किंग से बिल्कुल बचना है। क्वेश्चन नहीं आता तो छोड़ दो, नहीं करेंगे। सेम मेरे साथ मैंने भी करा था भाई, मेरे को मैथ्स कैसा था कि 30 में से 24 क्वेश्चन ही बने थे, 6 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके अंदर शायद मैं टाइम लगाता तो बन भी जाते या शायद ना भी बनते। तो मैंने उन लोगों के ऊपर टाइम वेस्ट ही नहीं करा, मैं दूसरे सेक्शन पे मूव कर गया। तो यही चीज आपको समझनी है, यही चीज आपको एक टॉपर बता पाएगा और कोचिंग वाले इतना नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि ये हम एक्चुअल पेपर देते हैं, हम एक्चुअल पेपर का सिनेरियो देखते हैं, और सीबीटी टेस्ट के अंदर ना जब वो टाइमर चल रहा होता है ना तो उसका थोड़ा सा प्रेशर भी होता है, तो उस चीज को मैनेज करते हुए हमारे को चलना है। तो अगर क्वेश्चन नहीं आता तो सिंपली स्किप कर दो। अगर तुम्हें लग रहा है कि यार शायद हो जाए शायद ना हो, तो भैया दोबारा जब पेपर पूरा खत्म हो जाए ना
तो तुम उस पर आ जाओ। ऐसे क्या होगा ना कि जब तुम एक बार पूरा पेपर कर लोगे सॉल्व, तो तुम्हारे को यह पता होगा कि यार जितने भी पेपर में इजी क्वेश्चन थे या मीडियम लेवल क्वेश्चन थे जो कि मैं कर सकता था, मेरे वो हो गए हैं। बहुत बच्चे बताओ क्या करते हैं कि एक दो क्वेश्चन करे, उसके बाद भैया थर्ड क्वेश्चन जो है वो टफ आ गया, उसी पे टक के रह गए, उसी 5-6 मिनट वेस्ट कर दिए। तो हमारे को ये नहीं करना, हमारे को एक ही गो में पूरा पेपर सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको छोड़ देंगे, जो क्वेश्चन लगेगा शायद बन जाए शायद ना बने उसको मार्क फॉर रिव्यू में डाल दो, और बाकी जो बनते जा रहे हैं उसको आगे तक आप कंप्लीट कर दो। इससे ये होगा कि भैया जितने भी टाइम में पूरा पेपर करोगे आपको एटलीस्ट इतनी सेटिस्फेक्शन होगी कि जितने क्वेश्चन ईजी थे या जितने क्वेश्चन मुझे आते थे, जितने मीडियम लेवल के क्वेश्चन मुझसे बने, मैं वो कर चुका हूँ। अब मैं वो क्वेश्चन ढूंढूंगा जिनको मैं करूंगा तो शायद हो जाएंगे, जिनको मैं करूंगा तो शायद नहीं होंगे। इस तरह से आपका कोई भी ईजी क्वेश्चन तो एटलीस्ट नहीं छूटेगा। क्योंकि ऐसा बच्चा क्या करता है, जैसे कि 1-2 हुआ 3 नहीं हुआ, उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उस चक्कर में भैया आगे के जो कुछ इजी क्वेश्चंस थे वो उसके छूट जाते हैं और उसके नंबर कम हो जाते हैं। तो इन बातों को बिल्कुल ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, दोबारा चाहे तो इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि इसमें मैं अपनी पूरी एक्सपर्टीज, जिस तरह से मैंने इतनी अच्छी रैंक्स अलग अलग पेपर्स में अचीव करी और मद्रास सीटी में 8 रैंक अचीव करी, वो सब कुछ आपको बता रहा हूं। तो इन चीजों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद चलते हैं, आप सबके लिए एक छोटा सा गिव अवे है। तो छोटा सा गिव अवे किस चीज़ का है भैया, ये चंद्रेश अग्रवाल की एक बुक आती है हमारे साथ सीटी एमसीए के लिए, इसको टॉपर्स ने भी भैया रेकमेंड करा है। अगर आप चेतना की वीडियो देखोगे तो भैया उसने भी इस बुक को रेफर करा था, तो आप इस बुक को जरूर रेफर कर सकते हो। तो यार आप सबके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है मेरी तरफ से ये कि भैया अगर इस वीडियो पे 1K लाइक्स आते हैं, मतलब 1000 अगर इस वीडियो पे लाइक्स आते हैं, तो भैया आपको और आपके एक फ्रेंड को 2 गिव अवे होंगे इसके अंदर। उसका रूल बस इतना ही है कि भैया आपको अपना नाम कमेंट करना है और अपने एक फ्रेंड का नाम कमेंट करना है, और आपके फ्रेंड को भी सेम चीज करनी है कि भैया आप उसका नाम कमेंट करना है और जिसके साथ वो आपको लेना चाहता है। जैसे आपका नाम अगर राजेश है, आपके फ्रेंड का नाम मुकेश है, तो भैया राजेश को मुकेश के लिए कमेंट करना है और मुकेश को राजेश के लिए कमेंट करना है। तो ये कमेंट मेरे को दोनों का दिखना चाहिए। 1K लाइक्स पूरे होते ही इस वीडियो के ऊपर, जो कि मेरे ख्याल से बहुत जल्दी हो जाएंगे, इसको बहुत सपोर्ट और प्यार मिलेगा, तो जैसे ही वो पूरे होंगे तो मैं इस भैया बुक का गिव अवे कर दूंगा, ताकि भैया अब आगे आने वाले जो 2 महीने हैं उनमें से किसी 2 लकी लोगों को ये बुक मिल जाए और वो इसका भी अच्छे से यूज कर सके। इसके अलावा यार अगर किसी को भी यार मेरे साथ एक लाइव सेशन चाहिए गूगल मीट पर, जैसे मैं निमसेट के लिए बहुत सारे सेशंस लेता हूँ, उसमें बताता हूँ कि भैया क्या गलतियाँ हमारे को अवॉइड करनी है, किन चीज़ों से हमारे को बचना है और लास्ट टाइम पे कैसे तैयारी करनी है। तो अगर आप सबको भी एक ऐसा सेशन मेरे साथ चाहिए तो कमेंट करके जरूर जाना कि भैया हमारे को गूगल मीट का एक सेशन चाहिए, तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं उस सेशन को लेकर आऊँ। क्योंकि अभी आप सब लोग देख सकते हो कि यार मैं अभी अपने हॉस्टल रूम में हूँ NIT कैलीकट के, तो यहाँ से ही वीडियो बना रहा हूँ आप सबके लिए। तो बस इसी के लिए सपोर्ट कर देना जल्दी से यार अच्छे से। उसके बाद ये भैया अपने एम को सेट कर लो, जो भी तुम्हारा भैया गोल है उसकी भैया फोटो या इमेज अपने वॉलपेपर पे बना लो, हर जगह लगा दो, सबको 2-3 लोगों को बोल दो भैया मेरा ये एम है, ताकि वो तुम्हें बार बार याद दिलाते रहें, बार बार वो चीज़ तुम्हारे सामने रिफ्लेक्ट होती रहे। क्योंकि जब वो रिफ्लेक्ट हो गया यार तुम्हारे को एक मोटिवेशन मिलेगी और फिर तुम वो चीज़ कर जाओगे। उसके बाद यार आप जाके इन सब के इंटरव्यू देख सकते हो। ये हिमांशी चौधरी का इंटरव्यू है, AIR 6 है ऑल इंडिया 99.95% विदुषी का इंटरव्यू है ऑनलाइन, ऑल इंडिया रैंक 8 है उसकी, उसको चेक कर सकते हो। बाकी चेतना का इंटरव्यू है, उन्होंने तो खुद की जॉब छोड़ी थी लैंसर इंटरबो में, उसके बाद उन्होंने MCA के लिए डिसाइड करा और VIT पुणे आए। और ये सारे लोग जो है भैया सेल्फ स्टडी के साथ में पहुंचे हैं, चाहे वो हिमांशी हो, चेतना हो, विदुषी हो, और भी बहुत सारे लोग हैं। अगर आपको रैंक 1 का भी इंटरव्यू चाहिए 2021 की, ऑल इंडिया रैंक 1 का, AIR 1 का भी अगर आपको इंटरव्यू चाहिए, तो वो भी भैया मेरी गाइडेंस में ही थे, तो उनको भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा और वो आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहे होंगे कि कैसे उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 को अचीव करा है। अभी वो भी SPPU में ही है, सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर। तो अगर आपको सारी चीज़ें चाहिए तो अगर कमेंट करते रहना, कमेंट सब लोगों को करके जाना, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं कमेंट कोई नहीं छोड़ेगा। तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइव क्लासेस अगर दोबारा से बोलोगे तो मद्रास सीटी की दोबारा आएंगी, निमसेट की जो लॉजिकल रीजनिंग क्लासेस लाइव क्लासेस चलेंगी उनको जरूर फॉलो करना, वो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, कोई भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे आप हमसे कभी भी कनेक्ट कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट, फॉर्म फिलिंग को अच्छे से करना, उसमें भी डाउट्स आ रहे हो तो पूछ सकते हो। बाकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया कैसे आपको फॉर्म फिल करने हैं। 7 अप्रैल लास्ट डेट है, तो भैया लास्ट डेट तक का बिल्कुल वेट मत करना, अभी ही ट्राई करना कि भैया 1-2 दिन लेके अपने फॉर्म को आप अच्छे से तसल्ली से बैठ के 2-3 घंटे लगा दो चाहे फॉर्म फिल करने में, लेकिन तसल्ली से फॉर्म फिल करना कि कोई गलती ना हो। क्योंकि भैया एक छोटी सी भी गलती हो जाती है ना तो उसको ठीक कराने के लिए फिर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, अच्छे से पढ़ो, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।